हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका ई लर्नम के यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंट विटामिन्स और उनके केमिकल नेम्स की। और स्पेशली यहाँ आज का डिस्कशन जो होगा वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में होगा। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के केमिकल नेम्स को याद करने के बारे में होगा कि बाकी के विटामिन जो हैं, जैसे विटामिन ए है, सी है, डी है, के है, तो इनके एक दो वेराइटी है या एक ही सिंगल वेराइटी है, तो उनका नाम याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। जबकि विटामिन बी के बारे में जब हम बात करते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब वो एट डिफरेंट विटामिन्स को में डिवाइड किया गया है, एट डिफरेंट विटामिन बीज में डिवाइड किया गया है और उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं। तो जब हमसे ऐसे अचानक से किसी ने पूछ लिया कि नाइसिनामाइड क्या होता है, कौन सा विटामिन होता है, या फिर कौन सा विटामिन बी होता है, या फिर किसी ने पूछ लिया कि पेंटोथेनिक एसिड किसका नाम है, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि B3 था, B2 था, B1 था, नहीं, B9, B6 कौन सा था। आज आपकी इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम इस चैनल पे लेके आए हैं ट्रिक टू मेमोराइज विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस एंड देयर केमिकल नेम्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन बी की बात करने से पहले हम यहाँ पे बात करना चाहते दूसरे बाकी विटामिन्स की और उनके केमिकल नेम्स की। वैसे हो सकता है ये सब नेम्स आपको पता हो क्योंकि ये ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं बहुत सारे बुक्स पे और बहुत सारी जगहों पे, तो फिर भी अगर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं तो इसको इंक्लूड करना भी ज़रूरी होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है और आजकल तो रेटिनॉल की धूम मची पड़ी है मार्केट में। हर स्किन केयर ब्रांड में रेटिनॉल का नाम कहीं ना कहीं ज़रूर आता है। लड़कियां इस बात से बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगी कि रेटिनॉल को आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एंटी एजिंग के लिए, पिंपल्स वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए। पहले जब हम विटामिन ए की बात करते थे तो ये होता था कि विटामिन ए किस लिए है, तो वो नाइट ब्लाइंडनेस में हेल्प करने के लिए, ऐसा हमने बहुत बार सुना था। बट अब हम जब रेटिनॉल का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में इमेज आता है स्किन केयर का, लाइक रेटिनॉल इज द सीरम और विटामिन ए जो हमें स्किन एजिंग में काफ़ी, मतलब स्किन एजिंग को रोकने में काफ़ी हेल्प करता है। ऐसे ही विटामिन सी है, विटामिन सी ही आजकल सेम मैनर में स्किन केयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हर कोई इनका नाम बहुत फ्रिक्वेंटली मार्केट में सुनता रहता है स्किन केयर ब्रांड के थ्रू। तो विटामिन सी का जो नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ऐसे ही विटामिन डी जो होता है वो दो तरह के होते हैं, विटामिन D3 और विटामिन D2। तो जो D3 होता है उसका नाम होता है कोलीकैल्सिफेरॉल और जो विटामिन D2 होता है उसका नाम होता है अर्गोकैल्सिफेरॉल, ठीक है। इस तरह विटामिन ई, वो भी हम सबको मालूम है स्किन केयर में कितनी यूज होती है विटामिन ई के कैप्सूल, हेयर के लिए, स्किन के लिए और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो विटामिन ई भी जो है वो उसका नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन ए के कैप्सूल्स पे लिखा हुआ मिल जाएगा आपको आराम से। तो कभी भी ये सब चीज़ें यूज़ करें तो उसको एक बार लेबल्स को देखते रहे तो उससे भी क्या होगा ना कि दिमाग में वो चीज़ें घुसती चली जाएंगी, तो ये चीज़ें आपको याद रहेगा। ऐसे विटामिन के है तो उसका नाम जो है फाइलोक्विनोनॉन और विटामिन K2 जो है उसका नाम मैनाक्विनोनॉन। जी हाँ, विटामिन के भी दो टाइप होते हैं, K1 एंड K2, जिसको फाइलोक्विनोन एंड मिनोक्विनोन बोलते हैं। अब बात आ गई यहाँ पे भी कुछ ट्रिक्स देने की, तो यहाँ हम ट्रिक्स लेके आए हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स को डिफरेंट तरीके से याद रखने की। अब डिफरेंट क्या मतलब, एक शॉर्ट फॉर्म की तरह कह लो। तो जब भी हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स की बात करेंगे कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से है, तो हम बात करेंगे कीड़ा की। कीड़ा क्या है? कीड़ा है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। ऐसे ही जब हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की बात करेंगे तो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं WBC। वैसे तो हम इनको BC आराम से याद रख सकते हैं, बट BC याद रखने के लिए के साथ ही अगर हम इसमें W आगे और लगा दें तो ये हमेशा के लिए हमें याद रहेगा कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी है। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस और उनके नाम याद करने के तरीके के बारे में। जी हाँ, तो आज हम इस वीडियो में दो ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो हमें हेल्प करेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस को याद रखने में। पहली चीज हमें याद करनी है कि विटामिन बी जो होते हैं वो 8 तरीके के होते हैं।
विटामिन बी जो होते हैं वो 8 तरीके के होते हैं। इसमें विटामिन B4 नहीं होता, B8 नहीं होता, B10 और B11 नहीं होते। अब इनको छोड़ के सारे काउंट याद करते जाइए, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ऐसे ही फिर से एक बार काउंट करिए, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। ठीक है, तो हमें इनका ऑर्डर याद रखना है। अगर मुझे ये ट्रिक याद रखनी होगी या हमें ये ट्रिक याद रखनी होगी, तो पहला तरीका है हमें विटामिन बी की सीरीज याद करनी होगी, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। तो अब हम याद रख सकते हैं, जैसे कि विटामिन बी का नाम है थायामिन, है ना, विटामिन बी टू का राइबोफ्लेविन, नायसिन निकोटिनिक एसिड या नायसिनामाइड, निकोट्रोनामाइड कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऐसे ही विटामिन B5 के साथ क्या है, इनका नाम है पेंटोथेनिक एसिड, B6 का है पाइरोडॉक्सिन, B7 जिसको हम पहले विटामिन H के नाम से जानते थे, ये जो बायोटिन होता है इसको भी बहुत सारे स्किन केयर में यूज करते हैं, लाइक हेयर केयर में स्पेशली यूज होता है ये, हेयर और नेल के केयर में जब बाल कमजोर होते हैं तो उनको रिकमेंड किया जाता है कि बायोटिन के टैबलेट्स ले सकते हैं, बायोटिन के मतलब सोर्सेस को खाने में कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही नाइसिनामाइड भी जो है विटामिन B3 वो भी स्किन केयर में यूज होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे सीरम्स आजकल नाइसिनामाइड 10% नाइसिनामाइड करके आने लग गए है ना, तो ये चीज भी है, नाइसिनामाइड भी याद रखने जैसा है, याद हो जाएगा बहुत आराम से। ऐसे विटामिन B9 का नाम क्या है, फोलिक एसिड, ठीक। विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबलामिन, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे याद रखने के लिए, एक एक लेटर्स में तोड़ लेंगे, जैसे थायमिन का है तो टी हो गया, राइबोफ्लेविन आर हो गया, नाइसिनामाइड जो है वो एन हो गया, पेंटोथेनिक एसिड पीए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पी दो हैं B5 B6 में, एक पेंटोथेनिक एसिड और एक पाइरोडॉक्सिन, तो हमने पेंटो को पीए और पाइरोडॉक्सिन को पी से रिप्रेजेंट किया है ना, और बायोटिन बी फोलेट जो हो गया वो F, और साइनोकोबलामिन जो है वो सी से हो गया है ना। तो अब इसका जो निमोनिक्स है वो है ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चली, क्या है, ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चली, जिसमें ट्रेन जो है वो पहले तीन एमिनो एसिड, पहले तीन विटामिन को कोट करता है, लाइक TRN, ठीक है, जो पटरी है वो पेंटाथोनिक एसिड को कोट करती है, जो पर है पर वो पाइरोडॉक्सिन के लिए कोट करती है, और बहुत बायोटिन फास्ट फोलेट एंड चली जो है वो साइनोकोबलामिन के लिए है ना। तो ये चीज आराम से याद हो जाएगी, ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चली, देखिए यहाँ पे भी चल रहा है, ट्रेन पटरी पर बहुत फास्ट चली, ट्रेन फॉर विटामिन B1, 2, 3, पटरी फॉर 5, पर फॉर 6, बहुत बायोटिन 7, एफ फास्ट फोलेट 9 एंड चली 12, साइनोकोबलामिन, ठीक है, अब याद रहेगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, ये है एक दूसरा तरीका विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस को याद रखने का, यहाँ पे भी हम सेम मैनर में ये जो नेम्स हैं उनके इनिशियल्स को लिख लेंगे, जैसे थायमिन के लिए टी, राइबोफ्लेविन के लिए आर, नायसिनामाइड के लिए एन, पेंटोथेनिक एसिड के लिए पी ए, पाइरेडॉक्सिन के लिए हम यहाँ पी वाई यूज कर रहे हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होगी हमें, कि ये पाइरोडॉक्सिन ही है, बायोटिन बी, ठीक है, और फोलेट के लिए हो गया एफ, और साइनोकोबलामिन के लिए हो गया सी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो लाइन हमें याद करनी है वो है, टिंकू राजा ने पास की फिजिक्स बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये टिंकू राजा के लिए बहुत दुख की बात है कि उन्होंने फिजिक्स और बायोलॉजी तो पास कर ली पर केमिस्ट्री में फेल हो गए, लेकिन हमारे लिए ये काफी हेल्पफुल हो गया कि वो फेल हो गए और हमने ये चीज रट ली, ठीक है, क्या रट ली, टिंकू राजा ने पास की फिजिक्स बायोलॉजी फेल केमिस्ट्री। अब टिंकू क्या है, यहाँ से थायामिन, राजा क्या है राइबोफ्लेविन, ने क्या है नाइसिनामाइड, पास की क्या है पेंटोथेनिक एसिड, फिजिक्स क्या है पाइरेडॉक्सिन, बायोलॉजी क्या है बायोटिन, फेल क्या है फोलिक एसिड, एंड केमिस्ट्री क्या है साइनोकोबलामिन। तो मुझे उम्मीद है कि अभी ये ट्रिक आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी और आपको बहुत आसानी से ये सारा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स याद हो गया होगा। तो उम्मीद करती हूँ
कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आगे भी अगर आपको ऐसी वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो जिनमें ट्रिक्स इन्वॉल्व हो या कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व हो, तो प्लीज़ अपनी दिक्कतें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है अगर वो हमें सुटेबल लगी तो हम इस पर नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।